ये सच्चे दरबार की चलते हैं। देखिए पीछे जो खाने में आवाज आ रही है, मेरा निवेदन है वहां पर आवाज ना करें। भोजन व्यवस्था में निवेदन है कि कोई आवाज ना करें। ये 71 दिन की यात्रा में रोज कीर्तन इसलिए रखा गया। क्यों इतना आवाज कर रही है? कीर्तन एकमात्र साधन है प्रभु से लौ लगाने का। और यही कारण है प्रेमियों कि चाहे कैसे भी हालात रहें, बाबा की ज्योत जगती है, हिम्मत ये देता है, खड़े होकर कीर्तन में आ जाते हैं। और यहां कीर्तन दो तीन भजन जो भी होते हैं वो ऐसे होने चाहिए कि हर कोई गा सके। ये कीर्तन नहीं है, ये एक अर्जी लगने का साधन बन गया है। आप लोग यहां पर आते हो, यहां भजन गा रहे हो, आप लोगों की डायरेक्ट अर्जी लग रही है। इसलिए भजन ऐसे होने चाहिए कि आप सब मिलकर गा सको, आपकी अर्जी लग जाए। मैं गाऊं ना गाऊं, इसलिए क्षमा करें। इन कीर्तनों के अंदर में ये पगली, डाकिया, ये कोई कहानी वाले भजन जो हैं, जो कि एक एक घंटा के भजन हैं। अगर मैं एक भजन गाऊं तो एक घंटा उसी में निकल जाएगा, उससे ज़्यादा ताकत भी नहीं होती। क्षमा करें, आपकी बात को मैंने कहा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ यही है कि भजन वो हो यहाँ पर
जो आप सब मिलकर गा सकते हैं। इसलिए मिलकर एक आसरा है तेरा, हे सांवरे मुरारे। किसको किसको आसरा है, किसको किसको, मिलकर तालियां बजाकर बोलेंगे ना क्या। सुन लो अर्ज हमारी, मैं कोई दिखावा करने नहीं आता और मैं कोई भक्त भक्त नहीं हूं। हजारों बार मैंने लाइव में बोला है कि मेरे झोंक मत खाया करो, आप लोग क्यों नहीं समझते। जिसके खाना है उसके खाओ ना प्रेमियो, काम वहां बनेगा। मैं जस्ट एज सिंपल एज यू, जैसे आप हो वैसे मैं हूं, मेरे में कुछ नहीं है। मैं सिर्फ एक सिंपल भजन गाता हूं, वो भी इसकी कृपा से गाता हूं। मत बनाओ भगवान किसी इंसान को। मेरे नौजवान भाइयों, जय श्री श्याम काफी है। सिर्फ हाथ जोड़कर आप जय श्री श्याम कहते हो ना, बड़े को कहो छोटे को कहो स्वीकार है, आप धोखा कर आप चढ़ाते हो। प्लीज ऐसा मत किया करो। मेरे पिता समान है, वो आए, मैंने उनको बोला आप मेरे पिता समान हैं, आप अलग नजरिए से, हमारा नजरिया अलग है, हम आपको अलग नजरिए से देखते हैं। आपका नजरिया हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, मैं एक बनिया आदमी हूं। एक कोई ब्राह्मण अगर मेरे धोख खाता है, मेरे समझ लो मैं क्या बताऊं, कितना बड़ा पाप मेरे ऊपर चढ़ता है। कोई भी मेरे धोख खा रहा है तो मैं उसे ये पूछूंगा कि आप ब्राह्मणों की बनिया हो। मेरे से बड़ा अगर कोई मेरे धोख खाता है तो मुझे शोभा देता है, नहीं देता। प्लीज कीर्तन में सुनकर अमल किया कीजिए प्रेम, प्लीज। आप धोख खाते हो मुझे खुशी नहीं होती, नहीं होती। आप अगर ये सोचते हो कि हम संजय भैया को धोख खाकर उनको खुश कर देंगे, नहीं, आप मुझे दुखी करते हो। प्लीज अगर जो भी सुन रहे हैं, अगर लाइव चल रहा है जो भी हिंदुस्तान में कहीं भी शाम प्रेमी, प्लीज हाथ जोड़कर मिलेगा। मैं सिंपल हूं, मेरे में कोई शक्ति नहीं, मैं कोई भगत नहीं, कुछ नहीं, मैं सिर्फ भजन गाता हूं, और वो भी ये गवाता है तो गाता हूं। जितने दिन ये गवाएगा उतने ही दिन का। आप धोख नहीं खाओगे तो हो सकता कुछ दिन ज्यादा गा पाऊं, इसीलिए प्लीज प्रेमियों
कोई बुरा भी मत मानना, लेकिन जय श्री श्याम, एक बार जय श्री श्याम। विशाल भैया बुरा नहीं मानना, सुन लो अर्ज हमारी। ये आप बाबा से कह रहे हो, मैं आपसे कह रहा हूं, सुन लो अर्ज ये मेरी। ये अर्ज समझ गए ना क्या? प्लीज सिर्फ जय श्री श्याम उठाओ हाथों को पूरे पूरे और मिलकर तालियां बजाकर सुन लो अर्ज। Thank you.
कारण इन्होंने क्या किया। कदम कदम पर
क्यों नहीं गया एक बार हाथ उठाकर बताओ। यहां से कितना किलोमीटर खाटू? 400। फिर भी कहते हो खाटू नहीं गए? एक बार जाकर आओ। जाओगे? कहां कहां गए हो? कहूं ना गए? तब तो मैं बाबा से कहूंगा, बाबा बूढ़ी माँ को बुला लो। ये बोलते हैं बुला लो, यही बोलते हैं ना यात्रा में। देखो इनकी, इनके भाव में सच्चाई है। इन्होंने कहा हम कहूं ना गए, इसलिए बाबा से अरदास करेंगे कि बाबा इनको अपने खाटू धाम बुलाना है। लेकिन जो बंबई जाते हैं, जो दिल्ली जाते हैं, जो कलकत्ता जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमें बाबा ने नहीं बुलाया, तो मैं हमतर हयात जी का एक बार भजन सुन रहा था। उन्होंने पूछा, साईं बाबा का वो भजन करते, उन्होंने पूछा कि शिरडी कौन कौन गया है? कई लोगों ने कहा बाबा ने नहीं बुलाया। उन्होंने पूछा सिंगापुर गए? वो बोला हाँ गया। उन्होंने पूछा सिंगापुर ने आवाज देकर बुलाया था कि मेरे पास आ जाए? तो बंबई जाने वालों, दिल्ली जाने वालों का, बंबई दिल्ली वालों ने क्या आवाज देकर बुलाया आपको कि मेरे पास आओ? खाटू वाले को क्यों ब्लेम करते हो कि बाबा ने नहीं बुलाया? अब इस बूढ़ी माँ को तो बोल सकते हैं कि कहूं ना गए, तो सही बात है, ये पकड़ के ले जाएगा तभी जाएगा। तो माँ आपको बताता हूं मैं, अब आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप खाटू जाओ या ना जाओ, खाटू वाला आपके पास जरूर आएगा। और जो नहीं गया खाटू, या तो जहां रहते हो उसके बाद कहीं और मत जाना, घूमने फिरने कहीं मत जाना, और अगर घूमने फिरने कहीं जाओ तो खाटू भी एक बार जरूर जाकर आना। पता है क्या होगा? जो मांगो के मिलेगा।
किसको किसको झटका रहे बाबा? मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। इंसान सोचता है कि हम यहां चले जाएं, हम वहां चले जाएं, लेकिन जब तक ये नहीं चाहता आदमी नहीं जा सकता है। ये सब समझ रहे हैं कि बाबा बोलेगा वही होगा। आप लोग क्या बताऊं, रोज कह रहा हूं, जब कीर्तन रखा था ना, जिस दिन यात्रा का, पिछले साल फागुन मेले पर 2018 में खाटू में ही यात्रा का प्रोग्राम फाइनल हुआ,
कि यात्रा बाबा की, बाबा आगे आगे और हम पीछे पीछे चलेंगे। उसी समय मन में आया कि रोज कीर्तन करेंगे। हमने सोचा था कीर्तन का स्वरूप क्या होगा, एक हारमोनियम एक ढोलक लेकर चलेंगे और वो कीर्तन होगा, ताली कीर्तन होगा। लेकिन बनते बनते बात यहां तक आई, हमारे सारे जितने म्यूजिशियंस भाई हमारे जो परमानेंट चलते हैं मेरे साथ, मनीष म्यूजिकल ग्रुप, इन्होंने कहा कि हम भी आपके साथ चलेंगे। मन में और हौसला बढ़ा। हमने सोचा कि कितने लोग होंगे हमारे साथ, जितने भी यात्री होंगे। उस समय इतने यात्री का भी नहीं सोचा था, हमने ही सोचा था कि 25-30 लोगों का कारवां होगा। ये नहीं पता था कि 75 लोग तो चल रहे हैं और हाथ जोड़ जोड़ कर लोगों को मना करना पड़ा कि नहीं, अब और हम इस बेड़े को और बड़ा नहीं कर सकते, क्योंकि जितना बड़ा बेड़ा होता है उतनी ही देरी हर काम में होती है। लेकिन फिर भी सोचा कि कितने होंगे, 50-60 होंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन ये नहीं सोचा था कि गांव-गांव से लोग, पता नहीं इनको कैसे खबर लग गई। फेसबुक व्हाट्सएप तो शहरों में ज़्यादा होता है, लेकिन छोटे छोटे गाँव से लोग आ रहे हैं। आप लोग आ रहे हो, आप लोग धन्य हैं प्रेमी, बाबा के दरबार में आकर, बाबा के दरबार में आकर आपने बाबा को बता दिया बाबा कि शहर में कीर्तन ज्यादा होते हैं, आप शहर वालों के होंगे, लेकिन हम आपसे दूर नहीं और आप हमसे दूर नहीं हो बाबा। इसलिए हम ये सोच कर आए हैं। क्या सोच कर आए हैं, आइए इस भजन के माध्यम से कहेंगे। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। बोलो, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। हर आने वाला भक्त कह रहा, बाबा मैं दरबार में आपके आया हूं तो मैं तुम्हारा हूं, इसलिए आया हूं। अगर आप इसके हो तो ये भजन गाना। फॉर्मेलिटी के लिए आए हो या कोई दोस्त पकड़कर जबरदस्ती लाए हैं या कोई और काम से आए हो, मत गाना। लेकिन इसके दरबार में ये सोच कर आए हो कि मैं इनका हूं और ये मेरे हैं, तो मिलकर जरूर गाना। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। बोलो, जो ही माझी तू ही साथी तू सहारा है। बोलो, तू ही माझी तू ही साथी तू सहारा है। कौन कौन, कौन कौन बाबा का है, पूरे हाथ उठाकर जोरदार तालियां बजाकर बोलेंगे। ओ जो भी Oh,
बाबा का है, तालियां बजाकर कहना मैं गाऊंगा। मैं माइक में नहीं बोलूंगा, उसके बाद आप सबको मिलकर गाना है। क्या मेरे बाबा मेरे मालिक अटक रहा हूं मैं, मुझको मालूम नहीं कैसे और कहां हूं मैं, पकड़ कर खींच लिया जैसे चुंबक। मुझको मालूम नहीं कैसे और कहां हूं मैं, मुझको मालूम नहीं कैसे और कहां हूं मैं, क्यों आया हूं तेरे बिना हर रिश्ता निभाने के लिए तैयार होता है।
इनको माँ मानो माँ बनकर रिश्ता निभाता है, बाप मानो बाप बनकर रिश्ता निभाता है, भाई मानो भाई बनकर, मित्र मानो मित्र बनकर रिश्ता निभाता है। तू सुना करके ले ले।
कश्मीर तालियां बजाओ। तेरे दरबार में थोड़ी सी जगह दे दो मुझे, सच बोलना, पूरे हाथ उठा लेना और जोरदार आवाज में, मैं माइक में नहीं बोलूंगा, जोरदार आवाज में बोलेंगे क्या कि शायद बिहार से लेकर झारखंड के अंदर में मैक्सिमम जगह में उसका पूरा परिवार हर रोज कीर्तन में आता था, हर रोज यूपी तक भी आए। उस एक बच्ची की ये पुकार कि अंकल ये भजन सुना नहीं, इसलिए उस बच्चे की पुकार को, क्योंकि उस बच्चे के मन में भी जब ये भाव है कि इस भजन से मेरा काम बन जाएगा, अगर 10 साल 15 साल का बच्चा, 65 साल 70 साल का बूढ़ा आदमी अगर आज शाम बाबा या किसी भी भगवान को मानता है या पूजा अर्चना करता तो समझ में आता है कि उसको समझ में आ गया कि अपनी जिंदगी के 70% 80% दिन बीत गए, अब जो थोड़ा कुछ बचा है वो प्रभु में ध्यान लगाओ। लेकिन जो 15 साल का बच्चा है, जो 10 साल का बच्चा है, वो अगर एक भजन को समझे और कीर्तनों में रोज आए और फिर वो एक भजन को फरमाइश कर दे कि अंकल ये भजन, और जो भजन है मैं सुनाऊंगा तब आपको पता चलेगा कि अगर किसी बच्चे के अंदर में, और कसम खाटू वाले की, जो भजन के लिए उस बच्चे ने कहा, किसी भी बच्चे के मन में अगर इस भजन के प्रति अगर ये मन में आ गया कि ये भजन मेरा काम बना सकता है या इस भजन के भाव को समझ गया, तो उसको जिंदगी में किसी भी मुसीबत से लड़ने की दरकार नहीं होगी, उसकी मुसीबत से लड़ने के लिए शाम स्वयं आएगा। ऐसे आइए, एक बच्चे को लगन ऐसी लग गई, आज भी मुझे वो बच्ची अभी नजर नहीं आ रही लेकिन उनकी शायद मम्मी यहाँ बैठी है, छोटी बच्ची थी, रथ करीब करीब 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा था, 1 घंटे में 6 किलोमीटर चल रहे थे। कितने साल की, 5, 6, 7 साल की बच्ची थी। मैं रथ को पकड़ के चल रहा था लेकिन बार बार घूम कर देख रहा था कि वो बच्ची, और उस बच्ची का एंथ्यू लेवल इतना हाई था कि वो 1 सेकंड भी पीछे नहीं हुई, फ्रंट रनर अप के अंदर में वो थी लड़की।
और पूरे रास्ते किस्मत वाले होते हैं, नहीं मत उठाओ मत उठाओ, वो माँ बाप किस्मत वाले होते हैं जिनके ऐसी औलाद पैदा होती है जो जन्म से ही प्रभु के चरणों का ध्यान करने लग जाए। आइए इसलिए भजन, हार नहीं होगी, हार नहीं होगी, बोलो ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरे हाथों को उठा लो ना, पूरे पूरे सुनो, एक मिनट नीचे, यात्रा से ठीक एक महीना पहले या और कुछ कम दिन बचे थे, मैं एक जगह कीर्तन में था एमपी में, सुबह सुबह कीर्तन खत्म करके निकला, अंधेरे में पांव स्लिप किया और मेरा पांव उठना मुश्किल हो गया, दो तीन कीर्तन कैंसिल करने पड़े, लेकिन मन में ये डर बैठ गया कि बाबा 20 दिन 25 दिन बाद आपकी यात्रा में चल रहे हैं, कहीं इसको कुछ डैमेज नहीं हो जाए। मेरे पाँव में कंटिन्यू हमेशा दो तीन सालों से तकलीफ थी, हर दो चार छह घंटे के अंदर में अचानक ऐसा झटका लगता था कि लंगड़ा कर चलने लग जाता था, लेकिन बाबा हाजिर नाजिर है। मैं भी सोचता था बाबा अगर कहीं ये एंकल प्रॉब्लम होगी गाड़ी में बैठना पड़ेगा तो इज्जत मेरी नहीं आपकी जाएगी बाबा, मुझे नहीं मालूम कलकत्ते से हम कितने किलोमीटर पैदल आए, 1400 आए 1500 आए, लेकिन कसम बाबा की पता ही नहीं चल रहा कि कभी कुछ हुआ भी था। सिर्फ ये विश्वास लेकर निकले कि तू चल रहा है बाबा, हम नहीं चल रहे, तू लेकर चल रहा है, तू पिता है ना, पिता का हाथ पकड़ कर चल रहे, गिरने थोड़ी देगा। माँ बाप जब अपने बच्चों, जब बच्चे नासमझ होते हैं, एक मिनट भी कोई बाप अपने बेटा या बेटी का हाथ छोड़ता है कहीं बाहर निकलता है तो, कभी एक मिनट भी कोई माँ अपने बच्चों का हाथ छोड़ती है, नहीं छोड़ते हैं। हम निकले बच्चे बनकर, बाबा हम आपके बच्चे हैं, आप पिता हो, आप चल रहे हो, हाथ पकड़ कर चल, गिरने नहीं दोगे, इतना विश्वास है। ये प्रार्थना दिल की बेकार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, जिनको जिनको भरोसा है क्यों हार नहीं होगी, पूरे हाथ उठाना और मिलकर जोरदार आवाज में बोलना, सावेरे
पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी, बेटे की हार तुम्हें स्वीकार नहीं होगी। सोमवार अलग भाव मिलेगा, हंसता मिलेगा, महाराज बनकर ऐसे ताकता मिलेगा, लेकिन कभी कभी मायूस भी मिलता है और जब मायूस नजर आता है उसका कोई भक्त संकट में होता है तब दो मिनट के लिए इनका चेहरा बदल जाता है। हालांकि संकट में आने वाले भक्त का कुछ बिगड़ता नहीं, असर इन पर भी होता है। तो बोलो ना, मैं हार जाऊंगे कभी हो नहीं सकता, मैं हार जाऊंगे कभी हो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटा अगर दुख में पिता सो नहीं सकता, बेटे की हार
कह दूंगा मैं उनसे मेरा श्याम है सागे, कह दूंगा मैं उनसे मेरा श्याम है सागे। ऐसे में भी जगदीर दरकार नहीं होगी, ऐसे में भी जगदीर दरकार नहीं होगी। पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं होगी, पूरा है भरोसा मेरी हार नहीं। Yeah.
मझधार नहीं होगी, नैना कभी मोहित मझधार नहीं होगी। सांवरे जब तू मेरे साथ है, सांवरे सिर पे तेरा हाथ हमारे जैसा। आखिर कुछ बाबा को बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा। ओवर टाइम हो गया। देखिए कल 27-28 किलोमीटर चलना है, और कल आगरा। 6 महीने पहले जब रेकी करने आए थे आगरा श्री श्याम मंदिर में, जब प्रवेश किया तो करंट लगा, महसूस हुआ कि बहुत थोड़े दिन के अंदर में बाबा की कृपा इतनी तेज बरस रही है उस मंदिर के अंदर में प्रवेश करते ही। और तब से पांव में घुंघरू बंधे हुए कि बाबा के दरबार में पहुंचना है। आप सब भी आमंत्रित हैं, यहां से आगरा 27-28 मनीष भैया जरूर पधारना है। मनीष भैया सिद्धवाबाद से आए हैं, और जितने भी दीवाने यहां पर आए हैं उन पर बाबा की कृपा हुई तब आए हमारे। रॉबर्टगंज से भैया पधारे हैं। देखिए बनारस से 125 किलोमीटर दूर रॉबर्टगंज, लेकिन बनारस से 2-3 पड़ाव पहले से ये आना शुरू हो गए। बनारस के आगे की व्यवस्था पूरी इन्होंने की, और सिर्फ व्यवस्था नहीं की बल्कि बनारस से लगातार हर पड़ाव पर आते रहे, और बीच बीच में भी कानपुर के बाद भी आए। आज भी मैं समझता हूँ 700-600 किलोमीटर से दूर कम नहीं है, लेकिन यही बाबा के प्रति दीवानगी है। ऐसे दीवाने क्या कहते हैं पता है, कि पगले क्यों चिंता करता है, इस दरबार में मत मांग, इस दरबार में मांगने की दरकार नहीं है। क्यों नहीं है इस भजन के माध्यम से बताता हूं। मैं भी जब गया, मुझे बाबा ने बुलाया जब पहली बार श्री श्याम कला भवन, हमारा 50वां साल है, और 89 में 30 साल पहले फागण के मेले में जब कला भवन का हाथ पकड़कर मैं खाटू पहुंचा, मुझे कुछ नहीं मालूम था खाटू के बारे में, खाटू वाले के बारे में। निशान बाबा के शिखर पर, उस समय शिखर पर निशान चढ़ते थे डायरेक्ट, निशान चढ़ाकर चबूतरे पर, जो अखंड ज्योति वाला चबूतरा है, अभी तो आजकल भीड़ इतनी होती है इसलिए पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन उस समय उस चबूतरे पर कीर्तन होता था, एक नगाड़ी और एक हारमोनियम। निशान चढ़ाकर निशान में बंधी मोर छड़ी में हाथ में लेकर आगे मैं भी दूर खड़ा था,
पागलों की भांति भीड़ थी, भक्त नाच रहे थे। किसी भक्त नाचते नाचते उन्होंने आदेश दिया कि इसको बुलाओ। भीड़ चीर गई। मुझे कहा कि तुम्हें बुला रहे हैं बाबा। मुझे आइडिया नहीं था कुछ भी। मैं गया, मुझे पूछा बाबा ने क्या चाहिए। मैंने कहा बाबा मैंने सुना है आप हारे के सहारे हो, आपको बताने की दरकार थोड़ी है। सच बता रहा हूं, दरबार में खड़ा झूठ नहीं कहता। मुझे बोला मेरा श्रृंगार कर देगा। मैंने कहा बाबा एक माला का जुगाड़ नहीं है, श्रृंगार कहां से करूंगा। बोला मुझे इत्र चढ़ाएगा। मैंने कहा बाबा उसका भी कोई जुगाड़ नहीं है। बोला अगले बार जब आएगा एक फूल ले आना और एक इत्र की सीसी चढ़ा देना। मैंने कहा बाबा अगले बार बुलाओगे तब तो आऊंगा। बाबा ने बुलाया। उस दिन के बाद से मैं क्या इनका श्रृंगार करूंगा, इन्होंने मेरा श्रृंगार कर दिया। मैं क्या इनको इत्र से नहलाऊंगा, इन्होंने मेरी जिंदगी इसलिए आज सीना तान कर कहता हूं। और मेरे चाहने से पहले मुझको वो सब कुछ, मेरे चाहने से पहले मुझको वो सब कुछ मिल जाता है। क्यों मिलता है? जो काम बनता न था आज बन जाता है, जो काम बनता न था आज बन जाता है। ऐसा क्या हो गया जो पहले बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, आज बिगड़े से बिगड़े काम बन जाते हैं? क्यों बताऊं? हाथ खप महसूस करना कि जो मैं कह रहा हूं वो आपके साथ भी बीता है। क्यों बनता है पता है? शाम जो मिला है मुझे, शाम जो मिला
चार लाइनें भागन के लिए भागन लग गया, सिर्फ चार लाइनें भागन के लिए। Oh,
कोई मत जाइएगा, अभी बाबा को सबसे काम है। हाँ राजू भैया कहाँ गए? देखिए आज जो व्यवस्था यहां पर हुई है, 6 महीना पहले जब हम आए थे, हर 100 मीटर के ऊपर में गाड़ी से झांक रहे थे कोई जगह मिल जाए हम लोगों को ठहरने को, पर एक ही में आए थे। जैन मंदिर फिरोजाबाद में 30 किलोमीटर पहुंचकर पहुंचे, रात शायद 8-8:30 बज गई थी, थक गए थे। आधे घंटे बाद मैनेजर मिला और उन्होंने कहा कि भाई हम तो 15 जनवरी के पहले कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तब आगरा वाले भैया लोग मिले और उन्होंने हमें ये कहा कि आपको चिंता करने की दरकार नहीं है, आगे के जितने भी बेल्ट 6-8 पढ़ाओ, ये बाबा तक तय करा देगा। और फिर आज का ये पड़ाव श्री राघवेंद्र जी, त्यागी जी और विकास मित्तल जी, इन लोगों ने ये बीड़ा उठाया। 100-150 किलोमीटर दूर इनका गांव है, फिर भी वहां से आकर सेवा कर रहे हैं। बाबा के भाव है या बाबा ने इनको हुक्म दिया कि भाई तू यहाँ आ जा? अभी पीछे 4-5 दिन 7 दिन पहले एक स्कूल हमने पढ़ाव में नक्की कर रखा था, जब हम आए थे स्कूल के प्रिंसिपल से मिले थे, उन्होंने कहा कि पूरा स्कूल आपके लिए तैयार है, लेकिन ठीक 2 दिन पहले उनका टेलीफोन आया कि नेक्स्ट डे आपको सुबह 6 बजे स्कूल खाली करना पड़ेगा क्योंकि स्कूल है, और 6 बजे खाली करोगे तब जाकर थोड़ा बहुत हम लोग बच्चों को एकोमोडेट कर पाएंगे। हमारे लिए पॉसिबल नहीं था, हमने कहा सर नहीं हो पाएगा, उन्होंने कहा फिर आप अपनी व्यवस्था देख लीजिए। एक दिन पहले हम अधर में थे कि कहाँ होगा, किसी श्याम प्रेमी ने अचानक टेलीफोन आया कि हम लोग ये व्यवस्था आगे कर रहे हैं, 2 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर आगे व्यवस्था कर रहे हैं। हमने उनकी बात मानकर व्यवस्था तय कर ली। अचानक 1 घंटे बाद मास्टर साहब के दिमाग में क्या घूमा, उनका फोन आ गया कि हम बच्चों की छुट्टी करवा रहे हैं, आप कपड़ा यहाँ डाल दीजिए। हमने कहा देखिए बच्चों की स्कूल छुट्टी मत कराइए, क्योंकि बाबा ने देखिए किसी की मर्जी बिना नहीं हो जा सकता,
जिसकी मर्जी होगी उसी के यहाँ बाबा जाएगा। मैंने कहा आपको बाबा ने ऑप्शन दिया था, आपने पहले स्वीकार किया, उसके बाद आपने ना कर दिया, बाबा ने किसी नए प्रेमी को भेज दिया, अब उसको हम हाँ करके ना नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि चाय हम पिलाएंगे, लेकिन हमारी मजबूरी थी कि हम इतने दूर थे कि शाम को 7 बजे उस स्कूल के पास से क्रॉस कर रहे थे और स्कूल ऑलमोस्ट बंद हो चुका था। बाबा की मर्जी बिना कुछ नहीं हो सकता प्रेमी। आपके पास सारी सुख सुविधाएं हैं, सब कुछ है, आप 75 नहीं 750 आदमी को ठहरा सकते हो, लेकिन मन के अंदर भाव नहीं है ना तो ये नहीं ठहरेगा। अरे हम क्या ठहरेंगे, हम तो इसके पीछे पीछे हैं। पहले तो बाबा जाएगा, बाबा के पीछे पीछे हम जाएंगे। बाबा को नहीं पसंद आई जो जगह, बाबा नहीं ठहरा वहां पर। आज इस जगह पर उदय पब्लिक स्कूल और राघवेंद्र जी त्यागी और विकास जी बंसल, विकास जी मित्तल, मैं आप मेरा ही हाँ, आप लोगों ने जो किया है इसके एवज में हम आभार नहीं प्रकट करेंगे, क्योंकि आपके भाव छोटे नहीं करना चाहता। एक बार जोड़